स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। दोस्तों BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली जी ने ऋषभ पंत को लेकर एक बहुत बड़े बयान दिया है। कहा है ODI या T20 क्रिकेट में ऋषभ पंत का वापसी होगा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला में आपको देखते हुए नजर आएगा। डिटेल्स में मैं आपको वो चीज़ तो बताऊँगा, साथ में दोस्तों पहले ODI के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का प्लेइंग 11 में कौन कौन खिलाड़ी शामिल है वो ज़रूर मैं शेयर करूँगा। आइए दोस्तों विस्तार से मैं आपको ये दो चीज़ शेयर करता हूँ। दोस्तों उससे पहले आप ज़रूर कमेंट करके बताइए आपका भारतीय क्रिकेट टीम में पसंदीदा क्रिकेटर कौन है, और साथ में दोस्तों बताइए क्या ऋषभ पंत को आप ODI और T20 क्रिकेट में वापसी करते हुए देखना चाहते हैं, हाँ या ना, इसका जवाब ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं ऋषभ पंत बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर है और T20 और IPL में ऋषभ पंत का लाजवाब प्रदर्शन देखते हुए हर कोई खुश है। ऐसे में दोस्तों ऋषभ पंत IPL में 38 के ऊपर औसत लेकर रन बनाया है। भारतीय क्रिकेट टीम का स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत हर एक मैच में लंबे लंबे छक्के जड़ना जानता है और तेज तरार पारी खेलना जानते हैं। ऋषभ पंत से प्रभावित होकर कई दिग्गज क्रिकेटर जैसे सचिन तेंदुलकर, जैसे रिकी पॉन्टिंग, जैसे माइकल वॉन ने कहा है ऋषभ के पास एक अलग तरीके का टैलेंट है। इस टैलेंट को BCCI और मैनेजमेंट आगे लेके जाना चाहेगा। भारतीय मिडिल ऑर्डर में बाएं हाथ का खिलाड़ी का बहुत कमियां हैं और ऐसे में ऋषभ पंत एक बहुत अच्छा बाएं हाथ का खिलाड़ी बन सकता है जो ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम का धक्कड़ बॉलर जैसे पेट कमिंग्स, मिचेल स्टार्क का धज्जिया उड़ा सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली जी का यह कहना है ऋषभ के पास बहुत अच्छा टैलेंट है। उन्होंने कहा मैं जब दिल्ली कैपिटल्स टीम का कोच था तब मैंने देखा है किस तरीके से ऋषभ ने अपने आप को ग्रो कर रहा था, उनको और भी ज़्यादा मौका मैं दूंगा। सबसे पहले ऋषभ को थोड़ा सा साबित करना पड़ेगा क्या वो अपने विकेट कीपिंग और बैटिंग में अच्छे प्रदर्शन कर पाएगा। ऐसे में दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में ऋषभ ने शतक भी जड़ा है, लंबे लंबे छक्के भी जड़े हैं। उन्होंने जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी का बॉल का सामना भी किया है और उन सबका बॉल में छक्के भी जड़े हैं। ऋषभ पंत अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहा है। ऐसे में दोस्तों दो सवाल का जवाब जो BCCI को देना है, जैसे कि भारतीय क्रिकेट टीम का रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट कौन होगा, तो BCCI ने ऋषभ पंत को इस्तेमाल कर सकता है। सेकंड सवाल, जब मिडिल ऑर्डर लड़खड़ाते हुए नज़र आता है तो दोस्तों क्या ऋषभ पंत को मौका देना चाहिए उस जगह पे, तो इसका जवाब भी ऋषभ पंत बैटिंग करके सबको दिखा दिया है। साथ में दोस्तों ऋषभ पंत अपने विकेट कीपिंग में भी बहुत सारे सुधार कर लिया है। ऐसे में दोस्तों ऋषभ पंत ही एक लौता क्रिकेटर है जो बाकी क्रिकेटर से अलग है। ऐसे में सौरव गांगुली जी कॉन्फिडेंट है, उन्होंने कहा है टेस्ट में जो क्रिकेटर अच्छे प्रदर्शन करेगा उसमें दोस्तों रिद्धिमान शाह और ऋषभ पंत इन दोनों का नाम है, उस क्रिकेटर को ही मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट मैच भी खेला जाएगा तो यहाँ पर ऋषभ पंत का खेलना लगभग पक्का हो सकता है। ऐसे में दोस्तों ODI और T20 में भी ऋषभ पंत का खेलने का लगभग पक्का कन्फर्मेशन आ चुका है। जहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कल से जो मैच शुरू हो रहा है वो आपके कुछ इस प्रकार हो सकता है प्लेइंग 11। अगर आप ओपनर देखिए तो ओपनर के रूप में दोस्तों आपको यहाँ पे KL राहुल और शिखर धवन को खेलते हुए नज़र आएगा। KL राहुल तो IPL में सबसे ज़्यादा रन बनाया है और शिखर धवन भी IPL में दोहरा नंबर पे था रनों के लिस्ट में। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये दोनों दिग्गज बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा और बेस्ट ओपनर होगा। आपको क्या लगता है क्या KL राहुल और शिखर धवन एक बहुत अच्छे ओपनिंग जोड़ी है, ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। अगर मिडिल ऑर्डर का देखा जाए तो दोस्तों नंबर 3 पे कप्तान विराट कोहली भी खेलेंगे क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छे क्रिकेटर नंबर 3 पोजीशन में विराट कोहली है। चौथे नंबर पे दोस्तों यहाँ पे आपको श्रेयस अय्यर बैटिंग करते हुए नजर आएगा। कई समय से श्रेयस अय्यर नंबर 4 पे सठिक रहा है। दोस्तों नंबर 5 पे यहाँ पे ऋषभ पंत कन्फर्म खेलने वाले हैं, ये कई दिग्गज को कहना है। कई सोशल मीडिया का राय भी है ऋषभ पंत को नंबर 5 पे खिलाना चाहिए। इस मामले पर अपना क्या राय है कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसे में अगर ऋषभ पंत खेलते हैं तो दोस्तों लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का बैलेंस भी हो जाएगा और ऋषभ पंत अच्छे फिनिशर का भूमिका भी निभा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ऑलराउंडर की बात करते हैं तो दोस्तों ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या जी और दोस्तों रविंद्र जडेजा है, बहुत अच्छा फिनिशर दोनों हैं और बहुत ही तेज तरार पारी खेल सकता है। हार्दिक से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फिर हम लंबे लंबे छक्के उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर बॉलर की बात किया जाए दोस्तों सबसे पहले फास्ट बॉलर में यहाँ पे जसप्रीत बुमराह जी और मोहम्मद शमी आपको नज़र आ सकता है और दोस्तों नए बॉलर जैसे कि T नटरंजन को भी आप प्लेइंग 11 में शामिल होते हुए देख सकते हैं।
मैं और एक स्पिनर है दोस्तों, युजवेंद्र चहल हो सकता है। दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको प्लेइंग इलेवन बता देता हूँ। ओपनर में KL राहुल और शिखर धवन, साथ में दोस्तों मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर, ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या और साथ में रविंद्र जडेजा, बॉलर में मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, टी नटरंजन और युजवेंद्र चहल होंगे। ऐसे में दोस्तों आप कमेंट करके बताइए, क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो पहले ODI मुकाबला खेला जाएगा, क्या इस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम जीत पाएगा, या इस मुकाबले में ऋषभ पंत अपने प्रदर्शन को दिखा पाएगा, सबको प्रभावित कर पाएगा कि नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।